हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, आज की वीडियो है कनाडा की पैकिंग रिलेटेड। तो आप लोगों को जब ऑफर मिल गया है, वीसा भी हो गई है, तो पहला काम है पैकिंग करना। तो पैकिंग सही से करना बहुत ही ज़रूरी है, और क्या क्या लेके आना, क्या क्या नहीं लेके आना, वो जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा चीज़ हम बैग में डाल के ले आए तो इमिग्रेशन में भी मतलब परेशानी होगी, और सिक्योरिटी चेकिंग में भी परेशानी होगी। तो इसीलिए हम लोगों को सोच समझ के पैकिंग करना है, और मतलब वो चीज़ भी लेके आना है जो यहाँ पे नहीं मिलता और ज़रूरी है, और यहाँ का मतलब कॉस्ट ज़्यादा है और हमारे इंडिया में कॉस्ट कम है, वो भी हमको सोच के पैकिंग करना है। तो मैंने लगभग एक महीने से पूरा लिस्ट बना के एक एक चीज़ डाल के पैकिंग किया था, और उसके मतलब उसके लिए मुझे जो मतलब मिला है वो है कि मेरा इमिग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिक्योरिटी चेकिंग में भी नहीं, कहीं पे कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ। मैं स्मूथली यहाँ पे आ गई हूँ, और अपना वर्क परमिट भी हमें स्मूथली मिल गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करना चाहती हूँ, मतलब डालना चाहती हूँ यूट्यूब में, मेरी चैनल में, जैसे कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प हो। तो पहले एक लिस्ट बनाना होता है पैकिंग के लिए, और लिस्ट में पहले आता है क्लॉथ्स। तो क्या क्या क्लॉथ्स हमें लेके आना है, क्या क्या नहीं। तो क्लॉथ्स के बारे में पहले मैं बोलती हूँ कि आपका फॉर्मल्स। तो फॉर्मल्स एक सूट और एक शर्ट, वो एक सेट ही लेके आना है फॉर्मल, ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। एक वाइट शर्ट एंड एक ब्लैक पैंट, वही काफ़ी है। और दूसरी बात आता है टी शर्ट, शर्ट और लड़कियों के टॉप्स। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को 7 से 10 लेके आना है एक एक जन को, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि लॉन्ड्री बहुत ही महंगा है, मतलब महंगा मतलब शायद हम लोगों को जैसे $5 में हमारा ड्रायर एंड वॉशिंग मशीन जो क्लीनर वो आता है, तो ये $5 मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो हम रोज़ रोज़ नहीं कर सकते, तो वीक में और 15 डेज में एक बार ही हम धुलाई करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि महीने में एक बार करते हो वॉशिंग मशीन में क्लीन, तो वो भी चल सकता है, क्योंकि आप अपना अगर बहुत ज़्यादा रहेगा सेट्स तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है और 7 से 10 सही है, क्योंकि मतलब अरे एक्चुअली ये डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि 7 दिन एक कपड़े में रह जाऊंगी तो ठीक है, बट ये फिर भी ये थोड़ा दिक्कत की चीज़ है। तो इसीलिए ये मुझे लगता है 7 से 10 आप 60 टी शर्ट और टॉप्स जो भी है वो ले लेना। और नेक्स्ट है जीन्स एंड लोअर्स। तो जीन्स, यहाँ का जीन्स बहुत ही महंगा है, मतलब बहुत ही महंगा। तो ये इंडिया से अगर लेके आओगे तो बहुत अच्छा है। तो जीन्स लगभग 5 जीन्स लेके आ जाना, और 5 ट्राउज़र्स, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ का जो वेदर है इसमें आप लोगों को ज़्यादा शर्ट्स एंड जीन्स, और लड़कियों को भी जीन्स ट्राउज़र एंड टॉप्स यही पहनना है ज़्यादा टाइम। अब जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हो तब भी, और ऑफिस में जा रहे हो तब भी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कुर्ता और जो हमारा ड्रेस है वो ज़्यादा पहनने का मतलब पहन नहीं सकते हो। यहाँ का जो वेदर है वहाँ से आपको यही ड्रेस पहननी है, तो ये ज़्यादा लेके आना ज़रूरी है। तो इसीलिए ट्राउजर्स एंड जीन्स वो भी थोड़ा ब्रांडेड अच्छे वो इंडिया से लेके आना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, यहाँ बहुत ही महंगी है। और फिर नेक्स्ट आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है इनर वेयर। तो लड़कों का इनर वेयर 7 से 10 कैरी करो, और लड़कियों का मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये रोज़ चेंज करना पड़ता है, तो इसीलिए एक बार या दो बार चेंज भी करना पड़ सकता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा कैरी करना। और इसके बाद है कुछ वार्म क्लॉथ्स। तो वार्म क्लॉथ्स मतलब
यहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी अगर आप विंटर में आ रहे हो, एकदम विंटर में, पीक विंटर में, जैसे कि हम लोग आए थे 28th of January, तो तब बहुत ठंडा था, तो तब तो हमें माइनस का जो क्लॉथ्स है वो लेके आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया था, डेकाथलॉन से ख़रीदी थी, वहाँ उतना भी महंगा नहीं है, और जो हमने लेके आई, मतलब हम दोनों ने जो लेके आए हैं वो उससे ही मेरा पूरा विंटर चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो जो डेकाथलॉन वाली चीज़ है वो आपको जब -30, -20 रहेगी तो 2-3 लेयर करके पहनना है, सिर्फ एक टी शर्ट और उसके ऊपर एक मतलब जैकेट पहन के अगर चले जाओगे तो बहुत ठंडा लगेगी, प्रॉब्लम होगी। बट आप अगर 2-3-4 लेयर भी पर पहन लो, जैसे कि पहले एक थर्मल, फिर एक टी शर्ट, फिर एक हुडी एंड फिर जैकेट, देन मतलब 30 भी 30-35 -30, -35 भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे बहुत ठंड लगती है पर फिर भी मैंने 4 लेयर पहन के -36 में भी मतलब बैंक अकाउंट खोलने बाहर गई, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर जो लोग समर में और फॉल में आते हो तो वो अपना जो स्वेट शर्ट्स है, 4 या 5 स्वेट शर्ट्स वो ले लेना, 2-3 हुडी ले लेना, और जो मतलब जैकेट है, जो अच्छे वाले जैकेट, वो यहाँ पे आके ही लेना, वो यहाँ पे आके ही आपको मतलब अच्छे से मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता तब आपको 4 लेयर पहनने पड़ेंगे, 3 और 2 लेयर में ही हो जाएगा शायद, तो वो तब ले लेना। और नेक्स्ट आता है आपका शूज़, तो शूज़ में एक स्नो बूट तो अगर आप विंटर में आए हो तो लेके आना, अदरवाइज़ यहाँ पे आके ख़रीदना। और आप एक मतलब ऑफिशियल शूज़, एक स्नीकर और 1-2 स्लीपर बस काफ़ी है, ये आप वहाँ से लेके आते हो अगर आपका अच्छे है तो, और नहीं तो यहाँ पे आके भी ख़रीद सकते हो। तो मेरा, मैंने सब कुछ लेके आई हूँ क्योंकि मेरा था वहाँ पे, तो लेके आ गई हूँ। ये हो गया। फिर ट्रेडिशनल ड्रेस, मेरे ख्याल में ट्रेडिशनल ड्रेस लड़कियों का 1 और 2 कुर्ता पाजामा और लड़कियों का 4, मैक्सिमम 4 सेट्स ही काफ़ी होंगे, 4 से 5, ज़्यादा लेके आने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मतलब मतलब मुझे लगता है 2 साल में एक बार तो घर जाओगे ही जाओगे, तो तब लेके आना अगर लगे तो, ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट है बेडिंग। तो बेडिंग में पहले आ जाती है बेड कवर एंड पिलो कवर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है, बहुत मतलब $100-200 ज़्यादा। तो $100 मीन्स 6,000, मतलब एक बेड कवर का दाम 6,000, मतलब कॉटन की अगर हो तो इसीलिए इंडिया से लेके आना ही बेहतर है। अगर आप मतलब 3-4 लेके आना चाहिए, क्योंकि आप तो रोज धोगे नहीं, तो इसीलिए। और पिलोज़ यहाँ पे आके ले लेना, इतने कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। और ब्लैंकेट, मतलब पतली ब्लैंकेट अगर हो सके तो लेके आना, अगर स्पेस है तो, नहीं तो यहाँ पे आके ख़रीदना, यहाँ पे थोड़ा महंगा तो है ही इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो ये है। और हो गई। और एक चीज़, पैकिंग के टाइम, क्लॉथ पैकिंग के टाइम मस्ट अप यूज करना स्पेस सेवर बैग, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे 500 रुपीज़ में मिलता है, तो वो ज़रूर मतलब बाय करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वो ज़रूर लेके आना, मतलब उसमें पैक करना सारे, तो आप देखोगे कि कितने स्पेस सेव हो रहे हैं। हम लोग ब्लैंकेट भी लेके आए हैं, तो मतलब वो भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि हमारा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बैग का डायमेंशन भी सेम था, वेट भी सेम था, सब सेम था। तो ऐसे करके प्लान करके थोड़ा पैकिंग करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हो गया बेडिंग क्लॉथ। अब नेक्स्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बारे में मेरा जो मानना है, अगर आपका न्यू लैपटॉप, न्यू मोबाइल मतलब चलने वाला है तो वो लेके आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ध्यान रखना कि एक पर्सन आ रहे हो तो मिनिमम 3 कॉन्वर्टर और एडाप्टर लेके आना, क्योंकि हमारा वहाँ का जो प्लग पॉइंट, यहाँ का पॉइंट वो सेम नहीं होता है, तो इसीलिए वो बहुत ही ज़रूरी है।
और वो ज़्यादा मतलब तीन लेके आना, क्योंकि कभी होता है कि एक साथ आपको लैपटॉप मोबाइल दोनों ही चार्ज करना पड़ता है, कभी आपको लगता है कि ऑफिस में एक रख के आती हूँ एक घर में रखती हूँ, और कभी तो ख़राब होने का भी डर रहता है, तो वो ज़्यादा लेके आना। और दूसरी चीज़ है कि लैपटॉप और मोबाइल अगर आपका एकदम चला गया है, नया लेना है तो यहाँ पे आके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड चीज़ है, अगर लड़कियों की हेयर ड्रायर मतलब हेयर कार्ल करने का जो वो होता है वो, फिर स्ट्रेटनर, ये सारी चीज़ यहाँ पे आके ख़रीदना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ का क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कोई कॉन्वर्टर की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आके, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो वो ले सकते हो यहाँ पे आके। और जो मिक्सर वगैरह है वो भी यहाँ पे आके लेना ही मतलब अच्छा है, तो यहाँ का क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और बाकी जो आपका हेडफोन वगैरह हार्ड ड्राइव वगैरह वो आपका है तो लेके आना, अदरवाइज़ यहाँ पे ख़रीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया, अभी नेक्स्ट आते हैं अपना यूटेंसिल के बारे में। तो यूटेंसिल में जो होता है, पहले लेके आ, ये है चॉपर, मेरा ये है, ये लेके आई हूँ मैं। तो ये अभी डॉलोरामा में मिल भी जाती है क्योंकि मैंने देखा है, पर कभी कभार नहीं भी रहता है, पर ये आपका बहुत ही काम के चीज़ है, और ये इंडिया में 250 और 200 में ही मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है, तो ये लेके आना। क्योंकि अगर इनिशियली आपको मिक्सर नहीं है तो भी मतलब इसमें आपका काम चल जाएगा, और स्पीड में काम करना है तो काम चल जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। और बाकी यहाँ का डोलोरामा में सस्ते में तो मिलता है बहुत कुछ, बट आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग उनका क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगता है। और बाकी कनाडियन टायर, वॉलमार्ट, ये सब जगह में बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पर आप अगर मानी मतलब बैग में आपका स्पेस है, आप लेके आ सकते हो, और आप पैसे के बारे में भी सोच रहे हो, तो आप कुछ कुछ यूटेंसिल लेके आना, मतलब जो आपको इनिशियली लगेगा, जैसे कि कढ़ाई, और आपका एक तवा, एक आपका प्रेशर कुकर, उसके बाद कुछ मतलब स्पून्स वगैरह, फोक वगैरह, कुछ आपका चम्मच, मतलब जो जो होता है कुकिंग के लिए रिलेटेड, और थोड़ा बर्तन भी स्टील का, ये आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये अगर लेके आओगे तो आपका बहुत ही अच्छा, मतलब इनिशियली तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आके ही तो आप मतलब मार्केट में नहीं जाओगे, है ना, और विंटर में आए हो तो और भी दिक्कत होती है विंटर में बाहर जाना, तो आके ही, क्योंकि जब हम इंडिया में आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, पर और जेट लैग भी रहता है, तो मतलब ये लेके आना, ये अगर लेके आओगे तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और फिर और पर हाँ, ये ध्यान रखना कि इंडिया का बेस्ट क्वालिटी, ब्रांडेड बेस्ट क्वालिटी का लेके आना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और तो यहाँ पे बाकी डोलोरामा में आपको बाकी सारे टिश्यूज़ वगैरह, बाकी आपका लिक्विड सोप वगैरह वो सब लेके आने का ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और इसके बाद आता है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स आप नॉर्मल एक दो चीज़ जो लेना है, मतलब रेगुलर यूज करते हो, वो लेके आना, अदरवाइज़ यहाँ पे आके ख़रीद लेना, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब आप, और यहाँ का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मतलब इंडिया में मतलब जिस टूथपेस्ट में आप ब्रश करते हो, मतलब वो कोलगेट भी है, लाइफबॉय भी है, बोरोलिन भी है, निविया भी है, एवरीथिंग सब कुछ है, एंड ये बहुत ही अच्छी भी है, तो आप यहाँ से मतलब आके ख़रीद लें। तो नेक्स्ट आता है मेडिसिन। तो मेडिसिन के बारे में मैं कहूँगी कि आपका जो जो मेडिसिन आपको चाहिए वो सब, मतलब जो आपका कुछ अगर डायबिटिक्स है, कुछ थायराइड है, तो उसका मेडिसिन तो आप लेके आ रहे हो, प्लस आप कुछ गैस, कुछ एसिडिटी, कुछ मतलब डाइजीन वगैरह, ये सब आप फीवर के लिए कुछ मेडिसिंस आप बहुत अच्छे से पैक करके कैरी करना, और एक डॉक्टर से पूरा प्रिस्क्रिप्शन भी एक लिखवा लेना, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप डॉक्टर के पास मतलब एक भी मेडिसिन नहीं खरीद सकते, और यहाँ पे डॉक्टर दिखाना बहुत ही दिक्कत की बात है, मतलब आपको यहाँ पे बैठ के
मतलब इमरजेंसी पे अगर जाओगे तो पूरा दिन बैठना पड़ेगा, और नॉर्मली अगर अपॉइंटमेंट लेके आ जाओगे तो 5-6 महीने बाद वो अपॉइंटमेंट मतलब आपका नाम आएगा, सीरियल नंबर आएगा, तो बहुत ही दिक्कत है। तो बहुत तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा दवाई लेके आना और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब भी करवा लेना। फिर नेक्स्ट है ऑर्नामेंट। तो आप अगर नॉर्मल जैसे कि हम लोग पहनते हैं सिटी गोल्ड वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप गोल्ड के कुछ लेके आना चाहते हैं तो उसका बिल अगर है ओरिजिनल बिल तो वो कैरी करना, अदरवाइज़ आप एक मतलब सुनार की दुकान पे जाके लिखवा लेना कि इस गोल्ड का इतना वेट है और इसके वैल्यू इतना है, तो ये करके एक स्लिप लेके आना। और सेकेंड है मनी। तो यहाँ पे आने के लिए आपको पैसा तो लगेंगे, डॉलर तो लगेगा, तो डॉलर के लिए आपको मैं कहूँगी कि आप जितने पैसे ले रहे हैं तो उसका मैक्सिमम आप फॉरेक्स कार्ड में और कुछ लिक्विड कैश कैरी करना, और जो लिक्विड कैश और फॉरेक्स कार्ड में वो जो कैरी कर रहे हैं उसका जो कॉन्वर्सन जो स्लिप होता है वो डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ कैरी करना। तो अभी आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आप सारे अपने खुद का जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड, ये सारे कैरी करना, प्लस आपका जो सर्टिफिकेट्स है सारे सर्टिफिकेट्स कैरी करना, प्लस सारे वीसा अप्लाई करने के बाद टाइम जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किया था मतलब डाला था वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके आना, सब कुछ का ओरिजिनल, प्लस 2-3 फोटोकॉपी, प्लस अपना सीवी भी एक लेके आना प्रिंट करवा के, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट का बहुत ही महंगा है, मतलब $15 to $20 शायद लग जाता है। और अपना कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखना साथ में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि वीसा जब आपका हो जाता है तब एक मेल आता है आपको, तो वो मेल भी डाउनलोड करके वो भी कैरी करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख के फाइल बना के, एक में ओरिजिनल एक में फोटोकॉपी, सब डाल के डॉक्यूमेंट्स लेके आना एकदम संभाल के, ओके। और लास्ट में आते हैं आपका खाना। तो खाने के लिए मैं कहूँगी कि बिस्किट्स वगैरह ये 1-2 दिन के लिए जितना चाहिए उतना ही कैरी करना, ज़्यादा नहीं। और चावल दाल दाल वो भी आप मतलब क्या बताऊँ, 1 वीक के लिए जितना चाहिए उतना ही कैरी करना, ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें खामखा वेट भी ज़्यादा होगा और आप मतलब दिक्कत होगी। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सिर्फ इनिशियली आने के बाद शायद आपको पता नहीं है कि कहाँ आपका ग्रोसरी है, तो इसीलिए 7 दिन के लिए जो जो चाहिए वो लेके आना। पर आप आलू प्याज ये सब चीज़ मत लेके आना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ होते हैं जो कि कैरी करना मना है, मतलब बाहर की कंट्री से कनाडा के अंदर। तो इसका एक लिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उसका लिंक आप जाके खोल के वो देख के वैसे ही पैकिंग करना, क्योंकि मैं जब आई थी वो एकदम देख के वो सारे पैकिंग किया था, तो इसीलिए मेरे सिक्योरिटी चेकिंग में इमिग्रेशन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इमिग्रेशन में आपको वहाँ पे डालना पड़ता है कि आप क्या क्या लेके आ रहे हो। तो वो जो मैं लिस्ट डाल रही हूँ वो देख के आप वो अपना बैग पैक करना। और स्पाइसेस के बारे में कुछ मना नहीं है, मैं कहूँगी जितना हो सके लेके आना, यहाँ पे मिलता तो सब है पर बहुत महंगा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना हो सके लेके आना। और बाकी तो मुझे लगता है यही हो गई है, और ज़्यादा कुछ लेके आने का ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से अपना बैग पैक कर लीजिए और खुशी खुशी चले आइए कनाडा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।